हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आलू लच्छा नमकीन बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, आइए देखते हैं। ये दो हमने मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिनको हमने धोकर छील लिया है। ये आधा छोटी कटोरी मूँगफली के दाने हैं, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में हम पानी डाल देंगे। इसके बाद हमने ये कद्दूकस लिया है, इसे हम आलूओं को कसेंगे। ये हमने बड़े छेद वाला कद्दूकस लिया है जिससे कि इसके लच्छे मोटे मोटे और बड़े बने। तो अब हम इसको कसेंगे। हम इनको पानी में ही कसेंगे ताकि ये हमारे आलू हैं वो काले ना पड़े, इस तरह से। और इसी तरह हम अपने आलू सारे आलू कस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे आलू कस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू कस लिए हैं, इस तरह से इसके लच्छे बन गए हैं। तो अब हम इसको दो तीन बार अच्छे पानी से धो लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन लच्छों को दो तीन बार अच्छे पानी से धो लिया है और इनको इस छलनी में रख लिया है और एक बाउल में रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल गया है। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, आप टॉवल भी ले सकते हैं, और इस तरह से इनको एक पर डाल देंगे। और अच्छे से इसी टॉवल से हम इसको पोंछ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको पोंछ लिया है और ये बिल्कुल इनका पानी भी खत्म हो गया है। तो अब हम इनको तलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। लच्छा सिक रहा है, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें आलू के लच्छे डालेंगे। इसे सेकने के लिए ना ही हमें ज्यादा तेल गर्म चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा चाहिए। इसको हम पलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लच्छे हमारे सिकने लगे हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है और आवाज भी आने लगी है। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बचे हुए लच्छों को भी सेक लेंगे।
हमारे ये भी नमकीन सिककर तैयार है, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। इस तरह से हम लगा लेंगे साइड से ताकि इसका एस्टर ऑयल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये जो मूंगफली के दाने लिए हैं इनको भी हम इसी में भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली के दाने बुनकर तैयार हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से इनका जो तेल है वो इसी कढ़ाई में निकल रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी नमकीन सिककर तैयार है। अब मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ, इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये मूंगफली के दाने डाल देंगे इसमें, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और अगर ज्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू लच्छा नमकीन बनकर तैयार है। ये बहुत ही कुरकुरी और स्वादिष्ट बनी है, तो आप इसे एक बार जरूर बनाइए। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये हमारी नमकीन भी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे 8 से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही कुरकुरी और क्रिस्पी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।